आर सोनी न्यूज खबर आप, आर सोनी न्यूज खबर आप। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव के इस त्यौहार के सभी को वोट डालने की अपील की जा रही है। इस मौके पर इलाके के डीएम और चुनाव आयोग की टीम ने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हिमसागर एक्सप्रेस में सवार यात्रियों व रेलवे स्टेशन पर मौजूद सभी यात्रियों को वीवीपैट के द्वारा वोट डालने का तरीका बताया और फॉर्म 6 के जरिए नई वोट भी बनवाई। साथ ही सभी लोगों को वोट डालने की अपील भी करी। जाहिर सी बात है कि चुनाव के वक्त पर हर किसी को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से नई नई तरीकों से पहल करी जा रही है और उसी क्रम में दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी चुनाव आयोग की टीम के साथ साथ इलाके की डीएम भी मौजूद थी और उन्होंने सभी को एक दूसरे को जागरूक किया और सभी को आने वाली 11 अप्रैल से चुनाव डालने को कहा। क्योंकि आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में 12 मई को चुनाव है और उससे पहले चुनाव आयोग हर तरीके से जागरूक करने के लिए, जो भी वोटर हैं उनको जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीकों से अपने अपने तरीके अपना रहा और आज इसी क्रम में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी लोगों को जागरूक किया गया। अभियान चला रही है निर्वाचन को लेकर, क्या कहेंगे, किस तरीके का प्रयोग आप करेंगे? आज हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे अपने डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट की तरफ से इस जागरूकता अभियान की को जारी कर रहे हैं। हिमसागर एक्सप्रेस, जिसे कि ऑलरेडी कन्याकुमारी से फ्लैग ऑफ किया जा चुका है, जो इस जागरूकता अभियान को टेकअप कर रही है। भारतीय रेल एक बहुत बड़ा माध्यम है जो सारे भारतवर्ष को जोड़ता है। हम चाहते हैं कि इसी प्रबल शक्ति का प्रयोग करते हुए हम भी अपना जो मैसेज है वो जन जन तक लेकर के जाएं। अप्रैल 11 से ये निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो फर्स्ट फेज है उसका चुनाव का 11 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। हम मतदाताओं से ये अपील कर रहे हैं कि वो अपना मतदान ज़रूर दें। और आप किस तरीके के, जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है कि वीवीपैट भी आपने लगाए हैं और ईवीएम भी, तो इसको किस तरीके से, जो नया प्रयोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है वीवीपैट का, उसको आप जागरूक कैसे कर रहे हैं मतदाताओं? वीवीपैट एक नई मशीन है जिसे ईवीएम के साथ जोड़ा गया है ताकि जो मतदाता है उसे 100% श्योरिटी हो जाए कि उसका मत किसको जा रहा है। हम चाहते हैं कि मतदाता को ये कॉन्फिडेंस रहे कि उसका जो मत है वो किसी गलत तकनीकी खराबी या ऐसी किसी चीज़ के कारण गलत जगह नहीं जा रहा। जो भी आप बैलेट यूनिट के ऊपर बटन दबाएंगे वही सिंबल आपको वीवीपैट के ऊपर दिखाई देगा। इसलिए हम ये जागरूकता के लिए डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग मशीन्स को यहाँ पर लेकर के आए हैं लोगों के बीच। वो अपना एक डेमो वोट कास्ट करके देख सकते हैं और उन्हें तसल्ली हो रही है। यहाँ रेलवे स्टेशन पर भी आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अलावा हम और बहुत जगहों पर मोबाइल वैन्स के ज़रिए कॉलेजेस में, मेट्रो स्टेशन पर हम ये अभियान निरंतर करते ही रहते हैं। हमारे इन अभियानों पे जितना भी पब्लिक का रिस्पांस रहा है वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहनीय है। अगर आप बात करें मैम आपके ज़िले की, तो आपके ज़िले में 2-3 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, तो उसमें किस किस विधानसभा में आपकी कार्यालय है और कौन कौन सा लोकसभा? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, हाँ जी, ज़िला साउथ ईस्ट है जो, उसकी 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़िला साउथ का पार्ट बन, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी साउथ का पार्ट बन जाएगी और कुछ नई दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगी और कुछ पार्ट ईस्ट में जाएगा। तो इसके तहत जो कंसर्न्ड आर ओ हैं वो अपने लेवल पे भी कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त हम DEO साउथ ईस्ट हैं जो, वो इनरोलमेंट और EVM की जागरूकता का अभियान हम भी जारी कर रहे हैं। आपका नाम? मैं संजय कुमार घोष। संजय कुमार जी, स्पेशल पे पहली बार हो रहा है इलेक्शन को लेकर, क्या कहेंगे? ये जागरूकता अभियान जो चलाया गया है इलेक्शन कैंपेन के तरह, और हमारी ये लॉन्गेस्ट ट्रेन है
हिमसागर एक्सप्रेस जो कन्याकुमारी से चल के जम्मू तवी तक जाती है, और आपने देखा होगा कि इस पर विनाइल रैपिंग के द्वारा हम लोग जो इलेक्शन कमीशन के थ्रू इसे एक जागरूक करने के लिए पैसेंजर्स को अवेयरनेस करें, जो मैक्सिमम यूज़ करते हैं हमारे रेल ट्रांसपोर्ट को, तो उनके लिए एक जागरूकता अभियान है। और मुझे खुशी है कि काफ़ी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है, और आप देख रहे होंगे कि इसके तहत यहाँ पे ईवीएम मशीन के साथ में वीवीपैट भी लगाया गया है और सिग्नेचर कैंपेन भी किया गया है। और हमारे एरिया के डीएम जो यहाँ के अधिकारी हैं इलेक्शन के, तो इनके द्वारा ये काफ़ी सक्सेसफुल कार्यक्रम था, और हम लोगों ने रेलवे के तहत जो भी मदद चाहिए थी वो हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, इसकी हमें खुशी है। और सारे सवारियों से और जो भी यहाँ जागरूक पैसेंजर्स खड़े हैं, सबसे अनुरोध यही करूँगा कि बढ़ चढ़ कर इस इलेक्शन में हिस्सा लें और अपना वोट जरूर कास्ट करें। धन्यवाद। आपका नाम? गौरव अग्रवाल जी। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे मतदाता जागरूक अभियान चलाया जा रहा है जी, कैसा आप लगा आपको, और वीवीपैट के बारे में आप कितना जान सकते? इसमें बहुत अच्छा लगा, इसमें हम वोट देते तो हम खुद भी देख सकते हैं कि हम किसको वोट दे रहे हैं, तो पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है जानकारी देने के लिए। आप इसके पहले वीवीपैट के बारे में जानते थे? नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी इस तरीके से, आज जान के आप पूरी जानकारी मिल गई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव की टीम और साथ ही साथ इलाके की जो डीएम है वो ने ये लोगों को जागरूक किया, साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं वॉल ऑफ डेमोक्रेसी, जाहिर सी बात है कि लोगों ने यहाँ पर अपने अपने हस्ताक्षर भी किए, और सभी को कहीं ना कहीं वोट जरूर डालना चाहिए। और सोनी न्यूज भी अपने सभी दर्शकों से यही गुजारिश करेगा कि आने वाले चुनाव में अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि आपका एक वोट आपके ईमानदार प्रतिनिधि को जनता तक पहुंचाएगा और जनता की आवाज़ बनाएगा, तो इसलिए आने वाले चुनाव में अपना वोट जरूर दें। दिल्ली से आप देख रहे हैं आरसोनी न्यूज़ संवाददाता गौरव सिंह के साथ सूरज कुमार की एक खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप।